पूर्णिया में देह व्यापार के धंधेबाजों पर कसा गया नकेल। देह व्यापार में धकेली गई तीन लड़कियों को पुलिस ने कराया मुक्त। गोरख धंधा चलाने वाले तीन के खिलाफ किया गया केस दर्ज। देह व्यापार के गंदे दलदल में फंस करके सीमांचल की लड़कियों की जिंदगी हो रही है बर्बाद। सीमांचल के चारों जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में फल फूल रहा है देह व्यापार का धंधा। जी हां, पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के खुशकीबाग रेड लाइट एरिया में पुलिस की गुप्त छापेमारी में मंगलवार को हिरासत में ली गई 7 में से 3 लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराकर के बालिका गृह में भेज दिया गया है। अब यहां वे एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। या वही लड़कियों को जबरन देह व्यापार के गोरख धंधे में धकेलने के मामले में सदर थाना पुलिस ने खुशकीबाग के 2 महिला दलाल समेत 3 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जब मामले की जानकारी देते हुए एसपी आमिर जावेद ने बताया है कि खुशकीबाग रेड लाइट एरिया में जबरन देह व्यापार करवाने के आरोप में 28 वर्षीय निशा परवीन, 26 वर्षीय बेबी खातून और मोहम्मद नीरज समेत कई अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही 3 लड़कियां जिसमें 2 नाबालिग है उन्हें बालिका गृह में भेज दिया जा रहा है। इन्हें एक दिन पहले मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के खुशकीबाग रेड लाइट एरिया में चल रहे देह व्यापार की सूचना मिलने पर गुप्त छापेमारी करके हिरासत में लिया गया था। जब पुलिस टीम ने छापेमारी करके कुल 7 लड़कियों को हिरासत में लिया गया था। जब देह व्यापार का धंधा चलाने वाले 3 के खिलाफ पुलिस ने अब केस दर्ज कर दिया है। हिरासत में ली गई लड़कियों में 1 नेपाल, 2 आसाम और जबकि 3 खुशकीबाग की ही रहने वाली है, यानी कि सीमांचल की लड़की ही रहने वाली है। यानी कि अब देह व्यापार के दलाल सीमांचल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सीमांचल की लड़कियों को भी देह व्यापार के दलदल में ढकेल रहे हैं, जब लड़कियों को बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि लड़कियों की काउंसलिंग कर ली गई है। रेड लाइट एरिया से मुक्त कराई गई लड़कियों ने खुशकीबाग की महिला दलालों पर जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेले जाने के आरोप लगाया है। या वहीं खुशकीबाग रेड लाइट एरिया में लड़कियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाले मुख्य सरगना रिंकी खातून और फिरोज खालिका ने अपना नया ठिकाना अनगर में बना लिया है। यह सदर थाना में इसे लेकर के मामला दर्ज करवाया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दोस्तों, ये अपडेट बस यही था कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिए। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि अब केडीबी लाइव खुद का ऐप लेकर के आ रहा है। यह ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि आपके लिए होगा, आप पब्लिक का ये प्लेटफॉर्म होगा, इसीलिए इसका नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया गया है। केडीबी लाइव न्यूज़ ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आप इस ऐप में खुद से अपना न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं और खुद से दूसरे का न्यूज़ भी देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी कि इस ऐप में आप चाहे तो शॉर्ट न्यूज़ वीडियो पोस्ट करें या फिर लॉन्ग न्यूज़ वीडियो पोस्ट करें या फिर आप टेक्स्ट आर्टिकल लिख करके फोटो के साथ पोस्ट करें तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा सेम कंटेंट आप दूसरे का न्यूज़ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी, और आप इस ऐप में खुद से अपना प्रोफाइल अकाउंट बना करके एक दूसरे के साथ फॉलो भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। या बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। बहुत जल्द इस ऐप को, केडीबी लाइव ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा सिर्फ सीमांचल वासियों के लिए, जहाँ आपके लिए, यानी कि सीमांचल से जुड़ी हुई खबरें इस न्यूज़ में पोस्ट होगी। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग केडीबी लाइव को फ़ोन पर मैसेज करके अपना न्यूज़ चलाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि मेरा न्यूज़ अपने केडीबी लाइव प्लेटफॉर्म पर चला दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है सबका न्यूज़ चलाने का। तो ऐसे में सोचे कि नहीं, आप लोगों के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म लेकर, ऐप लेकर के आ रहे हैं जो आप खुद से न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। आपको केडीबी लाइव को अलग से मैसेज करके या फिर फ़ोन करके न्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद से अपने मोबाइल से केडीबी लाइव ऐप में, केडीबी लाइव में न्यूज पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत जल्द इसका लॉन्चिंग डेट भी सामने आ जाएगा। जहाँ लॉन्चिंग डेट आपको बता दिया जाएगा कि कब लॉन्च हो रहा है, लेकिन सितंबर महीना तो नहीं, अक्टूबर महीना में केडीबी लाइव ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे केडीबी लाइव फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।